अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये जब जाते हैं तो मुझे याद आ जाती है अपने स्कूल की। अरे इन्हें देखिए ना, कोई मतलब नहीं है स्कूल में, स्कूल से ही खाने में लग गया था ये। अब्बा जी सबको सर्व कर। बिल्कुल टॉम एंड जेरी पूरे हमेशा लड़ते रहते। देखिए क्या चल रहा है तेरा। अबे संस्कृत के बारे में जल्दी से बाहर आओ। संस्कृत की स्पेलिंग बताइए जरा एक बार। ही मुझे तो और ये देखिए शाकिर भाई ये कैसे सोते सोते अभी उठ रहे। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं अभी तक मैंने मुंह नहीं धोया है। बस अभी नाश्ता कर कर आए ऊपर से। तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ कि मैं क्या पहन कर जाऊँगी, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं पापा के गांव, यानी पापा की नानी के घर, और अम्मी के पास भी जाएंगे। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है। आप मुझे देख सकते हैं मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं बिल्कुल रेड रेड हो चुकी हूँ। ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, पूरी रेड हो रही है आज, पूरी रेड चंपा गली चंपा लग रही है फुल एकदम। ओहो हाँ जी बोलो। देखिए ये पापा हमारे तैयार होके बैठ गए भाई। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मैं रेडी होकर ऊपर जा रही हूँ, सबको दिखाऊँ मैं पूरी कैसे रेडी हुई हूँ। शाकिर मरिया बट बाजी रेडी हो गए। फाइनली निकल चुके हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धूप हो रही है। सुबह के 10 बज रहे हैं, हम लोग सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं फजर से ही, और अभी बस जा रहे हैं। ये भी उठ गए। देखिए बाजी के घर के बाहर ही पूरी है रही यहाँ पर। हाय बाजी, बाय बाय बाय। चलो वो कार में बैठ चुके हैं और देखिए हमारे साथ हैं अलीशबा, आरिश और खान। जैसे कि आपको पता है शेल का फेवरेट काम गाड़ी क्लीन करने का, तो वो जनाब अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत तेज धूप हो रही है, अभी हो रहे हैं 27। सेल्फ बंद ही कर दो ये तो। मैंने आज इतना हैवी मेकअप किया है ना, आप देख सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लगी। मैं मिस कर रही है लेकिन बाजी उस गाड़ी में बैठ रही है। बाय बाजी बाय। ये हमारी दूसरी गाड़ी, इसे आप देख सकते हैं। कोई बता देगा यहाँ पे कर रहा है। बाजी बोर हो रही है, बाजी को आना। दे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक सारे खेत हैं। मेरा मन है कि यहाँ पे नहीं उतरूं बट बहुत ज्यादा धूप है तो मैं नहीं उतर सकती। आपको पता है कि देखिए मैंने कितना हैवी ये सब वेयर किया हुआ है। बस मैं ही जानती हूँ मैं ये सब पहनकर कैसे बैठी हूँ यहाँ पे, मैं कैसे झेल रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। मैं सुहागन हूँ तो पूरी सुहागन बनी हुई हूँ, आप देख सकते हैं मुझे। के खेत नहीं है वो उधर वाले, ये वाला गन्ने के खेत नहीं उधर वाले। ये देखिए ये रहा गन्ने के खेत। क्या हुआ? अगर आप लोगों को चाहिए गन्ने तो मैं डिलीवरी करा दूंगी। एक गन्ना 100 रुपए का पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा रोड बन रहा है ना टू साइड। गाइस देखिए ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको बाहर से देखने में, और बाहर से देखने में सॉरी अंदर बैठी हुई अंदर देखने में। जल्दी तो ये और जल्दी उठ गई थोड़ा सा नहीं टेढ़े एक दूसरे से मिले में। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से व्यू है ये। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये अभी आंखों को सुकून दे रहा है ग्रीन ग्रीन, बट ये इतनी गर्मी हो रही है, बेइंतहा गर्मी है ये। सीरियसली बहुत ये आए हमारे इंग्लिश खानदान से, देख लीजिए इनकी शक्ल दिखा दीजिए। सम वेल एजुकेटेड मैन, वेल एजुकेटेड। अबे पांचवी फेल। यहां पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, हमारी ट्रेन आने, हमारी नहीं सॉरी। अबे फाटक बंदे बंदे हां
अब ट्रेन नहीं आएगी यहाँ से? ट्रेन आएगी यहाँ से, तो जब ही तो बोल रही हूँ कि यहाँ से ट्रेन आने वाली है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे। खुला दिख गया शायद ये तो, इतने करीब से फर्स्ट टाइम। हाँ ट्रेन में भी नहीं बैठी आज तक? सिर्फ प्लेन में बैठी हूँ, ट्रेन में मुझे बैठना है। ट्रेन में गई नहीं, बैठी नहीं, प्लेन में बैठी हूँ। प्लेन में बहुत बार बैठी। चलो कोई नहीं, अब ट्रेन में भी बैठेंगे। मूवी का सलमान खान बन तो कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मेरा खुद का प्राइवेट जेट। ने कभी ट्रेन का सफर नहीं करा? मेरा खुद का तो जेट था, प्राइवेट जेट था मेरा, भेज दिया आपका। क्यों बेटी के लिए पैसे नहीं थे? देखिए लोग मिलते रहते हैं ट्रैफिक में भी। ठीक है, आ गई ट्रेन। ये रही जी, लो चली भी गई गाइस, आप देख सकते हैं ट्रेन का ये है और यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है। अगर एकदम ट्रेन आ गई और हमारी गाड़ी यही रही तो हमारा क्या होगा? कचरा कचरा कहे भाई है कजिन, वो खड़े हुए थे और मुझे पता नहीं वो हमारे रिलेटिव, और उन्होंने मुझे देख लिया और वो खड़े हुए ये रहे देखिए स्कूटी पे। मेरे साथ ऐसे सीन क्यों होते हैं? और वो सोचेंगे बहू कैसा इस भूल जाती हूँ कि मैं बहू, तो आप लोग मुझे याद दिला दिला करो बहू। ठीक है गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको स्कूटी पे। और ये देखिए पापा है, पापा देखिए इनके पास, इनके साथ बैठ गए स्कूटी पे। देखिए देखिए देखिए, ओ वाओ नाइस। पहुंच चुके जहाँ मैं आना था, पापा की ननियाल। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ में, तो अपनी 21 की पूरी लाइफ में मैं अभी तक गाँव नहीं आई थी, तो मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे जाकर, और जितने लोग गांव में रहते हैं वो लोग मुझे बताएं ताकि मैं विजिट करूं गांव में ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों के घर पर आ पाऊं। चलिए हम आ चुके हैं, देखिए आप, पापा ये रहे और ये रहा घर पापा का। हम आए हैं पापा की ननियाल। सब लोग गाड़ी में से उतर चुके हैं और बड़े मियां फुल मौज में हैं, अपने गाँव आके बड़े मियां बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये देखिए, और ये जाकिर भाई भी फुल एकदम हैंडसम बॉय बन के बैठे हैं। हमारी बाजी को आई थिंक लग रहा है कि थकान बहुत हो रही है। बाजी क्या थकान हो रही है क्या आपको? हाँ जी जी, थकान बहुत ज्यादा हो रही है। तो गाइस हमारे पापा जो है ना पहले स्कूटी में बैठ के फुर होने लगे, अभी हल लगा दो। तो गाइस इसके हलक में बात से थोड़ा सा ये बात शैल भाई भी कह रहे हैं। और गाइस यहाँ के बच्चे देखिए, ओ माय गॉड, बड़े ही खतरनाक गाइस। ये एंट्री हो रही है गाइस। चलिए बाजीस बाजीस, चलिए बाजीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं आज। तुम क्या कर रहे हो भाई? जात बच्चे हो तुम, जाओ। तो हम लोग जो है सब रूम में बैठे हुए हैं,
बाजी वाली, ये हम बाजी के ससुराल में आए हम लोग। गाइस मैं चाहती हूँ मुझे देख ले, मुझे देख ले, मुझे देख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। देख के फुल नींदों में हो रहे हैं, गुस्से में आ रही है नींद। तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, और मैं आपको पापा को दिखाती हूँ। देखिए ये रहे हमारे पापा जो बातें कर रहे हैं अपने कज़िन ब्रदर से, देखिए। हम लोग यहाँ जा रहे हैं और चेक करा रहे हैं पापा के, ननिहाल के पापा का घर कैसा, मैं आप लोगों को दिखाती। तो ये पूरा घर है पापा की ननिहाल, जहाँ पे पापा की नानी रहती थी। तो हम लोग अभी घर देख रहे थे, ये रूम ये वाला था जहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, और ये है किचन, यहाँ पे कोई लेडीज़ खाना बना रही हैं, और बाकी सब ये देखिए दूसरा रूम है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, प्लांट्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, पापा देखिए कितने खुश हैं, और मुझे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हमने देखा दूसरा वाला रूम, और यहाँ पे हमें खाला बता रही थी कि ये रूम किसका है, ये रूम किसका है, और यहाँ पर फोर रूम है और फोर ही किचन्स हैं। और ये देखिए ये वाला रूम है जहाँ पे कोई नहीं रहता, ये बस ऐसे ही मेहमानों के लिए गेस्ट रूम बनाया हुआ है इन लोगों ने, वो भी प्यारा लग रहा है। और ये सारी जो जमीन है ये भी पापा के नानी की है, देखिए अब हम नीचे जा रहे हैं। तो आप इन सबको देख सकते हैं, बेचारे पूरी रात से जागे हुए थे सब, इसलिए ये सो रहे हैं मजे से। तो अभी हो गया है लंच टाइम, तो हम लोग लंच करेंगे अभी, वो सब तो सो रहे हैं इसलिए हम ही कर रहे हैं अभी। देखिए ये उठ चुके हैं, देखिए इनकी कैसी हालत, वो बेचारे दूसरे रूम में चले गए खाना खाने, सेल हो रहा है, देखिए ये लोग उठ चुके हैं भाई, एक घंटे की नींद लेके कैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम अलविदा ले रहे हैं तैयारी करने, यहाँ से निकलने के, अब जाएंगे पापा के दूसरे कज़न के पास, और अभी हम इस वक्त हैं हसनपुर गांव में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत बुरा हाल हो गया और बहुत थक चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा, मैंने 36 घंटे में सिर्फ एक घंटे की नींद ली, मैंने, आरिश ने और हमारे काले भाई। तो अब हम आ गए हैं भाई के, मतलब पापा के दूसरे भाई के घर, हम जा रहे हैं, ये है हसनपुर, क्योंकि हमारे पापा की जो ननिहाल है वो हसनपुर की थी। तो ये हसनपुर है और तो हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे हम गांव टाइम के हिसाब से, टाइम देख के। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस तो हम पापा के कहाँ हैं, कौन है ये बाजी, पापा के कजिन के घर पर हैं अभी, बाकी सब बॉयज नीचे हैं और हम ऊपर बैठे हैं। और यहाँ पे जो बेबी थी बहुत ही क्यूट थी, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। मैं इससे बहुत खेल रही थी, बट ये अपनी मम्मी को ही ढूंढने जा रही थी, बट मेरे पास आ गई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और बहुत गर्मी हो रही है अभी, और ये देखिए सेल के साथ सब लोग, बच्चे बच्चे भी फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक, दूर दूर तक खेत ही खेत है और धूल ही धूल है, और धूल ही धूल है, डस्टिंग कोई नहीं। ये है हमारे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे गन्ने,
ओ वाह, ये झोपड़ी भी है छोटी छोटी सी, इसमें रहते हैं लोग? इसमें वो होती है, क्या होती है? अरे उपले उपले रखे हैं। अच्छा, ये उपलो उपले क्या है? जो उपले नहीं होते, उपले, गोबर के जो उपले बनते हैं उसको इसमें सेफ रखा जाता है, इसमें रखते हैं। और ये देखिए झोपड़ी है यहाँ पे। ओ वाओ, ये हमारी गांव में एंट्री हुई है। ये अब हम जा रहे हैं शेल के गांव। देख सकते हैं आप इन्हें, देखिए शेल का गांव। मेरा गांव नहीं है ये, अभी बहुत आगे मेरा गांव। अच्छा, तो गाइस हम लोग जो है शेल के गांव पहुंचने वाले। मैं पहली बार जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं घूम रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं बहुत खुश थी, सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ आज। और अभी जो है मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम, देख रही हो? बहुत मजा आ रहा है। और ये देखिए अपने गांव जा रहे हैं ऐसे तैयार हो गए। मैं काहे को तैयार होके जाता, देख लो आप कितने। अपने आपको तो दिखा दो, मैं तो बहू हूँ। बहू जी, बहू ही क्या हूँ। तूने कौन कहा बहू काले की मत? गाइस आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे कितना ज्यादा, ये शेल ने कल मुझे इतनी बुरी तरह मारा और आप देख सकते हैं।